हेलो गेमर्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से माइनक्राफ्ट की इस दिलचस्प दुनिया में। तो भाई आज हम बनाने जा रहे हैं अपना एक्सपी फार्म। जी हाँ, तो आज हम अपना एक्सपी फार्म बनाने जा रहे हैं और वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। मैं काट करके छोटे तो कर दूंगा इसको, बट फिर भी बहुत लंबी होने वाली है। आई होप कि आप सबको पसंद आए। तो एक्सपी फार्म बनाने से पहले अगर आप नए हो चैनल पर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप मेरे कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो इस यहाँ पर हम अपना एक्सपी फार्म बनाने वाले हैं। ज़्यादा दूर नहीं बनाते हैं, पास ही बनाते हैं। हो सकता है थोड़ा अच्छा लुक भी आ जाए हमारे घर का। और तो एक्सपी फार्म बनाने के लिए हमें चाहिए 4 होपर्स, 4 चेस्ट और भाई बहुत सारे कोबल स्टोन। आधे तो मैं अभी लाया भी नहीं हूँ, आधे चेस्ट में पड़े हुए हैं। वो पीछे का जो पहाड़ है ना, पूरा खोदना पड़ा मुझे। इतने सारे कोबल स्टोन चाहिए होंगे। आई थिंक 25 ब्लॉक्स चाहिए 64 के, तब जाके बनेगा। तो 4 हमें सबसे पहले होपर चेस्ट लगाने हैं, उसके ऊपर हमें होपर्स लगाने हैं। तो पता नहीं, मैं जब भी चेस्ट लगा रहा था तो उसके ऊपर होपर्स रख नहीं पा रहा था। तो पहले होपर्स लगा देते हैं हम। अब यहाँ पे हम नीचे चेस्ट लगा देंगे अपने, ताकि जो भी ज़ोंबीज़ आए, ऊपर से सामान गिराएं, वो सीधा इन चेस्ट में जाए होपर्स के थ्रू। इस साइड भी लगा देते हैं 2। ओके, तो ये काम तो हो चुका है। अब इसके ऊपर हमें लगाने हैं स्लैब्स। तो स्लैब्स ले लेते हैं जल्दी से। और नहीं यार, ये फिर सेलेक्ट हो रहा है, लग रहा है पास में इसके कोबल स्टोन लगा देते हैं, फिर स्लैब्स लगा देंगे। तो मैं आपको स्किप कर करके दिखा दूंगा कि कैसे बनाया है मैंने एक्सपी फार्म, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि सर्वाइवल में बना रहा हूँ तो पता है आपको कितनी बार कैसे कैसे करके ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं फिर नीचे गिरेंगे वापस। तो जल्दी स्लैब्स लगा देते हैं, अब लग जाएंगे। हाँ यस, ओके, तो इसको स्लैब से ढक देते हैं। तो यहाँ आके ज़ोंबी खड़े रहेंगे और अपन को मारेंगे। ओके, ये काम हो चुका है। अब यहाँ से हमें 22 ब्लॉक्स ऊपर जाना है। तो एक बार इसको, ये दोनों को हटा देते हैं और इसको राउंड सर्कल में पूरा स्क्वायर बना देते हैं। पूरा राउंड किया स्क्वायर। ओके, यहाँ से 1 2। ओके, एक और चाहिए होगा आई थिंक। ओके, तो ये फिनिश हो चुका है। अब इसके ऊपर हमें 21 लेयर ऊपर जाना है। बहुत ज़्यादा ऊपर जाना पड़ेगा भाई, और पास में पहाड़ होने से आई थिंक बहुत फ़ायदा भी रही है। ट्रेडर बहुत बोल रहा है यार, क्या दे रहा है ये। हाँ भाई साहब, क्या है आपके पास। अरे क्या है ये, वाइन स्पिंग डाई, भाई कचरा ही देगा यार ये। कुछ ढंग की चीज़ें लाया कर यार, काम की चीज़ें लाया कर जो कुछ काम आए। ओके, तो अब यहाँ से हमें जाना है 21 ब्लॉक्स ऊपर। नहीं, कॉर्नर पे नहीं लगाते हैं, गलत लग गया ये। कॉर्नर को छोड़ देते हैं, हमारे कोबल स्टोन भी बचेंगे और डिज़ाइन भी अच्छी आएगी। इस तरह से लगा देते हैं जल्दी से। ओके, तो ये सारे ब्लॉक्स हमें ऊपर ले जाने हैं। तो 2 हो चुके हैं टोटल, 22 होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर अब अगर अपन ऊपर से कूदेंगे तो हड्डियाँ नहीं टूटनी चाहिए भाई। तो पानी यहाँ पे डाल देते हैं जल्दी से, वाटर सोर्स भी बना देते हैं ताकि पानी लेने भी दूर नहीं जाना पड़े वापस। बना नहीं, क्या हुआ। ओके, आई थिंक एक बकेट और डालनी पड़ेगी, है अपने पास वैसे। एक और डाल देते हैं जल्दी से। ओके, ये काम भी हो चुका है। तो आई होप कि ये थोड़ी अलग वीडियो है, थोड़ी बोरिंग सी हो जाएगी, तो होप कि आपको पसंद आएगी। फिर भी एक्सपी फार्म बनाना भी ज़रूरी है, तो आज के वीडियो में यही काम कंप्लीट कर देते हैं ताकि हमें एक्सपी मिलती रहे। और एन्चेंटिंग भी तो करनी है हमें। 3 ब्लॉक्स ऊपर जा चुके हैं हम, ये 4th है। नहीं, ऐसे जाऊंगा तो गिन नहीं पाऊंगा। 5, इसको 6, ऐसे करके मैं जल्दी से 21 ब्लॉक्स ऊपर चला जाता हूँ। तो 22 ब्लॉक्स ऊपर आ चुके हैं हम।
अब आसपास भी पूरा कवर करना है हमें 22 ब्लॉक से, तो एक बार हमें नीचे जाना है। लुक तो बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ से भाई, चलते हैं नीचे। पानी वो रहा, पानी में ही गिरूँ भाई। पता चला पानी में नहीं गिरा, हड्डियाँ सारी टूट गई। के तो अब हमें सारे 22 ऊपर ले जाना है, तो मैं जल्दी से लेके चला जाता हूँ। ओके, तो मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इस साइड पे पूरे 8 ब्लॉक ले जाने हैं, ताकि इस पे फिर अपन पानी डाल के और फिर जोम्बीज यहाँ पे स्पॉन हो सके। तो 8 ब्लॉक्स ले जाना है। क्या हो गया, नहीं जा रहा आगे भाई? इसमें तो शिफ्ट भी नहीं होता मोबाइल में, कैसे कर? थोड़ा सा नहीं जा रहा, जा रहा चला। ओके, ओ शिट, अरे यार दांत ही टूट गए सारे। तो अपने दांत बीन लेता हूँ मैं जाके जल्दी से, सारे 32 दांत वहीं पड़े हुए भाई। माइनक्राफ्ट है, इसमें तो 32 भी नहीं होंगे, स्क्वायर स्क्वायर में दो होंगे। के तो सारा सामान कलेक्ट कर लेते हैं जल्दी से। फाइनली 3-4 बार ऊपर से गिरने के बाद फाइनली मैंने चारों तरफ से कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हमें पूरा कवर करना है, पूरा बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। तो गिन लेते हैं जल्दी से, 8 एक नहीं है, पता चला एंड में फिर गड़बड़ हो गई। सही है, बराबर है। कड़ी मेहनत के बाद चारों साइड से कंप्लीट कर दिया है मैंने भाई। बहुत टाइम लगता है यार, हाइट पे ध्यान भी बहुत रखना पड़ता है, नीचे भी गिर जाओ दांत वहाँ टूट जाएगी। इस साइड मैंने गैप रखी है ताकि मैं आराम से उस पहाड़ पे जा सकूँ सामने, और अपने घर पे जा सकूँ। वापस मुझे आना भी पड़ता है यहाँ पे, बार बार कुछ सामान रह जाता है। तो अब इसको हमें पूरा पैक करना है, डबल लेयर पे, दो लेयर की दीवार बनानी है ताकि यहाँ पे ज़ोंबीज स्पॉन करने की जगह मिल सके। तो मैं जल्दी से इसको कवर कर देता हूँ। ये कंप्लीट हो चुका है, और सामने मैंने खुला रखा है क्योंकि यहाँ से अपन निकल जाएंगे। तो अब जो ट्रैप डोर्स लेके आया हूँ मैं, उन्हें हमें लगाना है। ये जो बीच में नाली टाइप दिख रहे हैं आपको, सारी जगह छुटी हुई है जहाँ पे हम पानी डालेंगे उसके ऊपर, ताकि ज़ोंबीज़ को लगे कि यहाँ पे कोई चलने का रास्ता है, तो उसके ऊपर आए और सीधा पानी के अंदर, और पानी से सीधा हमारे पास, ताकि हम उनका खात्मा कर सकें। तो इस तरह से लगा देते हैं, जल्दी से लगा देता हूँ सब में। तो मैंने सब पूरा कवर कर लिया, सब जगह ट्रैप डोर लगा दिया। अब इसको ओपन भी कर देते हैं ताकि इसको भूल नहीं जाऊं मैं भाई बाद में। तो अब हमें नीचे आने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, चलते हैं ऊपर जल्दी से। नहीं, बहुत सारा पानी चाहिए होगा इस हिसाब से, तो डबल डबल के हिसाब से एक बार करते हैं। वाटर सोर्स बना देते हैं यहाँ पे, बार बार नहीं जाना पड़े नीचे, ताकि 1 वाटर बकेट एंड इज 2 सोर्स। नहीं बना, बेरा है पानी, इस साइड डालना। ओके, बन चुका है अब, ठीक है। तो अब जल्दी से पानी डाल देते हैं चारों नालियों में, नाली बोल सकते हैं इसको यार, और तो क्या बोलेंगे। और ट्रैप डोर्स को ये ओपन रखा है ताकि मैं इस साइड चारों तरफ जा सकूं, बाद में इसको पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं भूल जंप भी मार देते हैं, कोई इश्यू नहीं है अभी तो। बाकी उधर जंप मारा, नीचे गिर गया तो पानी के साथ मैं चला जाऊँगा ज़ोंबीज की जगह पे। डबल लेयर ये इधर भी काम हो चुका है अपना। तो गाइज, आई नो कि वीडियो लंबी हो चुकी है, बट पता है कि एक्सपी फार्म में बहुत टाइम लगता है। तो आई होप कि आप एफर्ट को अप्रिशिएट करेंगे एंड वीडियो ज़रूर लाइक करेंगे। तो 3 नालियों में हमने डाल दिया है पानी, बस यही बचा है। यहाँ पे हटा देते हैं इसको, अब ज़रूरत नहीं है हमें, वाटर सोर्स की ज़रूरत नहीं है अब हमें। के बराबर हो जाएगा क्या, ज़्यादा नहीं होगा कहीं? नहीं नहीं, ये तो डायरेक्ट नीचे जा रहा है पानी। नहीं, इसको निकालते हैं यहाँ से।
ये तो आ ही जा रहा है। अच्छा एक मिनट, वाटर सोर्स ही बंद करना पड़ेगा कि अब लेते हैं देखे पानी, एक बार इसको खाली कर देते हैं। ओके हो चुका है, अब इसको तोड़ के जल्दी से पानी डाल देते हैं यहाँ पे, और पानी का काम तो हो जाएगा अपना कंप्लीट। ऑल राइट, तो ये काम हो चुका है कंप्लीट। अब हमें इसको ऊपर से ढकना है, पूरी तरह से पैक करना है इसको। तो देर किस बात की, जल्दी से कर देते हैं पैक। ट्रैप डोर्स को हटा देते हैं जल्दी से, ओपन कर देते हैं इनको, सॉरी क्लोज कर देते हैं, कुछ भी बोल लो भाई, ओपन भी बोल सकते हैं क्लोज भी बोल सकते हैं। तो पूरा पैक हो चुका है सब तरह से, मैंने टॉर्चेस भी निकाल लिए ताकि ज़ोंबीज स्पॉन हो सके यहाँ पे, और ये लास्ट टॉर्च है इसको भी निकाल के हम सीधा चलते हैं। ये काम कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पे ज़ोंबीज स्पॉन होने लग जाएंगे। तो आई होप ऑल कंप्लीट काम करने लग जाए भाई, बहुत मेहनत लगी है इस पर। राइट, इसको पैक कर देते हैं यहाँ से। ख़त्म हो गया क्या? नहीं। ओके तो अब हमें जाना है इसकी छत पर, क्योंकि अगर अंदर अंधेरा है, हो सकता है ज़ोंबीज बाहर इसके छत पे स्पॉन होने लग जाए, तो भाई अंदर होंगे ही नहीं स्पॉन। तो आसपास का एरिया भी लाइट अप करना पड़ेगा, उससे पहले एक बार इसकी छत लाइट अप कर देते हैं। ओके तो जल्दी से मैं इसको लाइट अप कर देता हूँ। भाई जगमगाना चाहिए पूरा एकदम, एक ज़ोंबी नहीं स्पॉन होना चाहिए बाहर। सो पूरी छत लाइट अप करती है हमने टॉर्चेस से, एंड थोड़ा बहुत पहाड़ भी यहाँ पे स्पॉन ना हो जाए, तो इसका आसपास का एरिया भी अभी नीचे जाके भी करना पड़ेगा स्पॉन, तो वो तो कोई बात नहीं, मैं बाद में कर लूँगा। चलते हैं नीचे और देखते हैं कि ज़ोंबीज स्पॉन होते हैं या नहीं। आई होप कि वर्क करने लग जाए यार, फिंगर्स क्रॉस्ड। भाई बहुत मेहनत लगी है यार, बहुत तगड़ा लुक भी आ रहा है इसका, एंड आई थिंक मुझे ज़ोंबीज भी दिख रहा है यार, ये वर्क कर रहा है भाई। आई थिंक मेहनत रंग लाई है हमारी, भाई मर भी रहे हैं यार ऊपर से गिर के। ज़्यादा ऊपर बना दिया क्या मैंने? नहीं यार, बराबर 22 ब्लॉक्स का बनाया था। देखते हैं अभी तो इसको निपटाते हैं जल्दी से। क्या बात है भाई, ये खा ही जा रहा है, क्या हो गया इसको? वो छोटू, ओ शिट, मार दिया मेरे। इधर आ तू साले छोटू ज़ोंबी। ओके तो बराबर वर्क कर रहा है, आइटम भी इसमें गिर रहे हैं, कोबल स्टोन है, रोटन फ्लैश मिल गया हमें, स्ट्रिंग भी है, बोन भी मिला है, तो वर्क कर रहा है भाई। तो आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।